बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2010 मॉडल जो करोला है, 1NZ इंजन वाली, उसका जो छोटा ग्रिप है, कंप्यूटर के दो ग्रिप होते हैं, एक बड़ा ग्रिप होता है एक और एक छोटा ग्रिप होता है। जो छोटा ग्रिप है उसमें कौन कौन सी तारें आती है, कहाँ कहाँ से आती हैं, इंशाल्लाह आज हम उसके डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों इसकी ग्रिप में टोटल जो है 60 तारें होती हैं, लेकिन हमारी जो यूज़ की तारें हैं, जो पाकिस्तान संबल्ड है, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें जो है टोटल 26 तारे हमारी यूज़ की हैं, बाकी खाली होती हैं। इसको आपने ग्रिप को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ से आपने गिनती शुरू करनी है। ये हमारा एक नंबर है और ये यहाँ तक गिनेंगे, फिर जो है ना दूसरी छोटी लाइन में यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, यहाँ तक आएगा, फिर बड़ी लाइन से और यहाँ तक आएगा। इसी तरह ये नीचे वाला ग्रिप भी इसी हिसाब से गिनना है। एक नंबर जो है इसका ये ब्लैक तार होगी और यहां आता है प्लस बी, और जो दो नंबर है ये भी ब्लैक तार है और ये भी प्लस बी है। प्लस बी जो है ये EFI रिले जो है उससे रिटर्न जो आता है वो यहां पर आपका लगेगा, जो EFI पॉजिटिव होता है EFI रिले से रिटर्न आएगा। तीन नंबर जो है यहाँ ये भी ब्लैक तार है और यहाँ पर आता है प्लस बी एम। प्लस बी एम जो है ये डायरेक्ट पॉजिटिव आता है यहाँ पर, यानी मेन आ रहा होता है इसमें, और ये जो है ना ये थ्रॉटल बॉडी के लिए होता है। थ्रॉटल बॉडी अगर आपकी काम ना कर रही हो तो यहाँ पर करंट नहीं आ रहा होगा, इसमें अगर करंट गायब हो जाए तो आपकी थ्रॉटल बॉडी काम करना छोड़ जाएगी। उसके बाद जो है ना बाकी तारे खाली है। और सात नंबर है, सात नंबर जो है ये वाइट तार है, वाइट, और यहाँ ये जो है FC, इस तार का नाम है FC, ये फ्यूल कंट्रोल यानी फ्यूल पंप की तार है, यहाँ से ग्राउंड जाता है और फ्यूल पंप ऑन कराती है ये। आठ नंबर जो है ये पर्पल तार है, पर्पल कलर की, और ये स्पीडोमीटर की तार है, SPD। उसके बाद खाली है। और 15 नंबर तार आती है, 15 नंबर तार जो है ये ग्रे कलर की तार है, और ये तार जो है ये TACO टैको, ये मीटर के लिए RPM की तार होती है, मीटर को जाती है और RPM चलाती है ये तार। आगे आया 20 नंबर, 20 नंबर जो है ये पिंक कलर की तार है और यहां पर आता है BAT। BAT ये मेन करंट होता है बैटरी का, पॉजिटिव आता है यहां पर, हर टाइम आ रहा होता है मेन। उसके बाद है 24 नंबर, 24 नंबर तार जो है ये रेड कलर की तार होगी और ये जो है W यानी ये चेक लाइट की तार है। W जो है ये चेक लाइट को बोलते हैं, जो इमीटर में चेक इंजन की लाइट होती है, यहाँ से ग्राउंड जाता है और वो लाइट ऑन कराता है। उसके बाद है 27 नंबर, 27 नंबर जो है ये पिंक कलर की तार होगी और ये आता है TC। TC जो है ये आपकी जो OBD ग्रिप है, OBD2 का ग्रिप है, ये तार वहां जाती है। अगर आप इसको ग्राउंड देंगे तो आपकी चेक लाइट जो है वो डायग्नोज होगी, यानी ये मैनुअल डायग्नोज के लिए होती है। उसके बाद है 28 नंबर, 28 ये ब्लैक कलर की तार होगी और इसमें आता है IGSW। IGSW यानी ये इग्निशन स्विच आता है यहाँ पर, आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद है 31 नंबर, 31 31 नंबर जो है ये ग्रीन कलर की तार होगी और यहां पर आएगा ELS। जो है ये पार्किंग लाइट से आती है, अगर आप गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन करेंगे तो वहां से पॉजिटिव यहां पर भी आता है। 32 नंबर आगे आती है, 32 ये व्हाइट तार है
और उस पर ब्लैक लकीर होगी, वाइट तार पे ब्लैक लकीर, और ये ग्राउंड है यहाँ पर, यानी ग्राउंड आएगा P01। उसके बाद आता है 33 नंबर 33। 33 नंबर जो है ये ब्लैक कलर की तार है, और यहाँ पर आता है ELS2। ELS2 जो है ये डिफॉगर से आता है, आगे गाड़ी के जो पिछले शीशे के डिफॉगर होते हैं, अगर आप वो ऑन करेंगे तो वहां से एक पॉजिटिव यहां पर भी आएगा। उसके बाद है 35 नंबर 35। 35 नंबर जो है ये रेड कलर की तार है, और यहां पर आता है ST1-। ST1- जो है ये ब्रेक स्विच से आती है, इसमें हर टाइम पॉजिटिव आर इग्निशन का करंट आ रहा होता है, जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहां से करंट गायब हो जाता है, इग्निशन का करंट। 36 नंबर जो है 36, ये नीले कलर की तार है, नीली ब्लू, और यहां पर आता है STP। STP जो है यहां पर ब्रेक दबाने से पॉजिटिव आता है, यानी मेन आता है, जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद है 41 नंबर, ये येलो कलर की तार है 41, और यहां पर आता है केन हाई, केन एच यानी केन हाई, ये ओबीडी ग्रिप में जाती है, और ये डायग्नोस के लिए थी, जो आपका स्कैनर जहां लगाते हैं आप, कंप्यूटर लगाते हैं गाड़ी को स्कैन करने के लिए, तो ये इस तार से स्कैन करता है, एक ये है और एक केन लो, दो तारे होती हैं। उसके बाद है 43 जो है ये रेड तार है, और उस पर ग्रीन लकीर होगी, और इसमें आता है RFC। RFC जो है ये जो आपकी गाड़ी में रेडिएटर का जो फैन है वहां पर, उसमें CDI लगी होती है, एक छोटी सी एक कंट्रोलर लगा होता है, ये तार वहां पर लगी होती है दरमियान में, उसके जो तीन तार वाला ग्रिप होगा उसके दरमियान में लगेगी। उसके बाद है 44 नंबर 44, और ये ब्लू कलर की तार होगी, यहां पर आता है MREL, MREL यानी मेन रिले, मेन ये EFI रिले की तार है, और यहां से ग्राउंड जाता है EFI रिले को ऑन कराने के लिए, ग्राउंड से रिले ऑन हो जाती है। उसके बाद आता है 44 के बाद 48 नंबर तार, ये लाइट ग्रीन कलर की तार होगी 48 नंबर पे, और यहां पर आता है STA। STA यानी ये स्टार्टर की तार है, आप सलफ मारेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद है 49 नंबर, 49 नंबर जो है ये व्हाइट तार है, और यहां पर आता है केन लो, ये भी ओबीडी ग्रिप में जाती है, यानी ये केन हाई और केन यो लो जो है ये ओबीडी ग्रिप में जाती है, गाड़ी को डायग्नोस करने के लिए, स्कैनर के लिए होती है ये। 49 के बाद जो है 55 नंबर आती है। इसके बाद दोस्तों 6 तारें बच जाती हैं, 6 तारे जो हैं वो एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर की है, उसके लिए इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।